से बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर गेबर ग्यालक्योस की मुलाकात। मुलाकात में इदारा जाती बाहमी तआवुन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदादे कोरोना के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम को सराहा गया। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं इस मुलाकात के हवाले से, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब से बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर की मुलाकात हुई। मुलाकात में इदारा जाती बाहमी तआवुन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि गेबर ग्यालक्योस ने इंसदादे कोरोना के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात को सराहा। मज़ीद तफसीलात क्या हैं आगाह करेंगे लियाकत अंसारी। जी लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल, वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान गुस्ताख से बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर गेबर ग्यालक्योस जो है उन्होंने मुलाकात की और अदारा जाती बाहमी तआवुन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुस्ताख ने बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर को जो है वो आईपीयू के 130 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी और इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो यूनियन की सदर को जो है इदारे कोरोना के हवाले से जो मौसर हमत मिली थी उस पर ब्रीफ किया, तो उन्होंने जो है जो आपने पंजाब हुकूमत की खिदमात को सराहा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने आईपीयू के प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जो है वो गेबर ग्यालक्योस शेरन की खिदमात की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखता है और पाकिस्तान अमन तरक्की और तनाजात के हल के लिए मुजाकरात को अहमियत देता है। पंजाब हुकूमत ने 2 वर्ष के दौरान आवाम की फलाह बहबूद के लिए बेमिसाल इकदाम किए और लाहौर में बढ़ती हुई आबादी और आलूदगी के पेश नजर दावी किनारे नया शहर बसाने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो हुकूमत पंजाब के जो मुख्तलिफ इकदाम हैं उसके हवाले से जो है वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान को जो है वो आगाह किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।